सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रणवीर चौहान, आप देख रहे हैं टेक आरसी। गाइस, आप मेरे स्टेटस चैनल पे देखे होंगे, व्हाट्सएप पर स्टेटस चैनल पे आरसी लव क्रिएशंस के नाम पे जो मेरा एक व्हाट्सएप पर स्टेटस चैनल है, आप मेरी वीडियोस में देखे होंगे कि जो कट वाला इफेक्ट था, आपने वैसा इफेक्ट देखा होगा मेरे स्टेटस चैनल पे। आपने कमेंट में बहुत बार पूछा है कि भाई कैसे वो स्टेटस बनता है। तो गाइस, मैं आज जो बताऊंगा कि वो कट वाला इफेक्ट आप अपने चैनल के नाम अपने नाम पर कैसे डाल सकते हो गाइस, तो वही मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और गाइस ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना, और हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले क्या करते हैं कि पहले हमें ओपन कर लेना होगा काइनमास्टर ऐप को। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सो गाइस, तो हम आ गए अपने काइन मास्टर ऐप पे। हमारा काइन मास्टर ऐप ओपन हो चुका है। गाइस, आपके पास काइन मास्टर नहीं होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर ऐप को, जो कि बिल्कुल अभी न्यू है, न्यू वर्जन है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर को। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है कि काइन मास्टर को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर चल जाना है, लेके यहाँ पर 16:9 रेशियो पर क्लिक कर देना, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है कि मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड में एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। तो गाइस, यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड मैंने ले लिया। तो गाइस, यहाँ पर क्या करना है, आप लेयर में जाएंगे, यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा। तो टेक्स्ट पे गाइस आपको जो भी आपको नाम लिखना है, आपका चैनल नाम लिखना है, जो भी करना है, मैं यहाँ पर अपना कॉपी कर लिया हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, तो मैंने क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम ही लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर टेक आरसी, छोड़िए, मैं अपना स्टेटस चैनल के ही नाम पर बना कर दिखाता हूँ, आरसी लव। देखिए गाइस, आपने इसी को देखा होगा कट इफेक्ट इसमें। तो देखिए गाइस, इसको करके मैं ओके कर लूँगा। ओके करके गाइस, यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ऐसा बन जाता है। तो गाइस, यहाँ पर अब क्या करना है कि आपको इसको हल्का सा और छोटा कर लीजिएगा। जितना में आपको म्यूज़िक है उसको कट वाला इफेक्ट डालना, आप उसको उतना छोटा कर लेना। और गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है कि की का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक एंड में एक ऐसा दे देना है, प्लस वाला एक दे के, और इस की को एनिमेशन करके इसको बड़ा कर लेना है। तो गाइस देखिए, इसको ओके कर लेंगे तो देखिए गाइस धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो गाइस, इसको क्या करना है, ऐसे करके इसको यहाँ पर पहले इन फेड 0.5 में डाल लीजिएगा, और आउट फेड में इसको भी 0.5 में डाल लीजिएगा। तो क्या करना है गाइस, इसको ऐसे करके आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेने हैं। तो देखिए गाइस, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर आपका ये एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद गाइस क्या करना है, हमको फिर से एक एम्प्टी प्रोजेक्ट 16:9 रेशियो का ले लेना है। फिर से हम मीडिया में जाएंगे और जो एक्सपोर्ट हो उस पर मैं क्लिक करके उसको ले लेता हूँ। ले लेने के बाद गाइस क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तब यहाँ पर क्या करना है कि अब हमको इफेक्ट चाहिए, तब यहाँ पर मीडिया में जाएंगे, बैकग्राउंड में एक ब्लैक बैकग्राउंड फिर से ले लेंगे। इसको गाइस एकदम छोटा सा कर लेंगे। छोटा सा कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर क्या है कि ट्रांजिशन हम एक सेट करेंगे। तो गाइस, आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको काइन मास्टर के गेट मोर, यहाँ से आपको स्टोर काइन मास्टर स्टोर से आपको क्या करना है कि एक ट्रांजिशन इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है, जो कि जिसका नाम होगा ब्लेड। इस ट्रांजिशन इफेक्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट करूँगा। तो गाइस, इसको हल्का सा थोड़ा और हम बड़ा कर लेंगे। तो गाइस, इसको हम क्या करेंगे कि 0.5 पे इसको हम रख लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। देखिए गाइस, तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरा यहाँ पर एक और इफेक्ट आता होगा कि जो कि कट होने के बाद एक लाइटनिंग का आता है। तो गाइस, वहाँ उसका एक वीडियो है मेरे पास, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप वहाँ से उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मीडिया में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर जाकर आपको वो इफेक्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर डाउनलोड सॉरी इसमें ले लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करके इसको क्या करना है गाइस, ब्लेंड कर लेना, ब्लेंड करके स्क्रीन कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर यह स्क्रीन हो चुका है। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, जहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। देखिए, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर कट हो रहा होगा तो लाइटनिंग वाली ऑप्शन आ रही होगी। तो गाइस देखिए, इस तरह से इसको क्या करना है कि ऐसा कट वाला, इसको ऐसे करके देखिए, यहाँ पर मैं फिर से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर एक कट वाली ऐसे आ जा रही है। तो गाइस देखिए, फिर से मैं आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कट वाली ऐसे आ जा रही है। तो क्या करना गाइस, इसको ऐसे करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो देखिए गाइस, एक्सपोर्ट हो गया।
एक्सपोर्ट हो गया गाइस। तो देखिए गाइस ये आपको यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखी होगी कि ऐसी वाली इफेक्ट। तो गाइस देखिए इफेक्ट कट वाला इफेक्ट बनाना कितना ही सिंपल है गाइस। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाइस वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के बारे में भी हमको जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस इस तरह के मैं इंटरेस्टिंग और ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर हमें चलाते रहता हूं। तो गाइस अभी तक हमारे इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।